सीएम सिटी करनाल में आज नई सब्जी मंडी में अधिकारियों की उगाही के विरोध में पीड़ित व्यापारियों और युवा बोलेगा मंच ने धरना प्रदर्शन किया। पीड़ितों का कहना है कि नई अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के अधिकारियों की मिली भगत और रोजाना सुबह सुबह लगभग 50,000 की उगाही के चक्कर में लगभग सैकड़ों व्यापारी बर्बादी के कगार पर है। नई सब्जी मंडी में लाइसेंस के नाम से 2016 में अलॉटमेंट हुई, सैकड़ों दुकानों के मालिक टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए हैं। उन्होंने नई अनाज मंडी में सरकार द्वारा सब्जी मंडी के नाम से बनाया गया कॉम्प्लेक्स और व्यापारियों को दी गई सैकड़ों दुकानों के सामने एक सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें प्रशासन को जगाने के लिए आखिरी संघर्ष तक, जायज बात मनवाने के लिए आने वाले बुधवार तक अल्टीमेटम दिया गया है। अगर प्रशासन ने इसके बाद भी नहीं माना तो इच्छा मृत्यु की इजाजत लेंगे। युवा बोलेगा मंच के हरियाणा अध्यक्ष एडवोकेट जेपी शेखपुरा ने कहा कि 2016 में यानी 4 साल पहले नई अनाज मंडी में 4 दीवारी बनाकर 7-8 एकड़ में सब्जी मंडी का कॉम्प्लेक्स बनाया गया। सैकड़ों व्यापारियों को 60-60 लाख के प्लाट प्रशासन द्वारा वितरित किए गए। फिर इन सब्जीधारियों ने इन प्लाटों पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च करके अपनी अपनी दुकानें बना ली और सब्जी मंडी के तहत सब्जी बेचने का लाइसेंस धारी हो गई। पर जैसे ही शहर के बीच से सब्जी मंडी उठकर आई तो यह सब्जी मंडी असली उस कॉम्प्लेक्स में ना जाकर भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से अनाज मंडी जहां गेहूं जीरी की खरीदी होती है वहां लगने लग गई। उन्होंने बताया कि किक अनाज मंडी की दुकानों में लगने वाली सब्जी मंडी के तहत मार्केट कमेटी के अधिकारियों की जबरदस्त मौज होती है। सूत्रों से पता चला है कि 50,000 की सुबह सुबह उगाही करके मार्केट कमेटी के छोटे कर्मचारी अपने आकाओं को देते हैं, यानी बहुत बड़ा गोलमाल हो रहा है। इसी गोलमाल से लगभग 150 करोड़ की दुकानें जो प्रशासन की है अब तक नहीं बिकी हैं। इसी गोलमाल का पर्दाफाश करने के लिए और सब्जी मंडी के असली लाइसेंसधारी व्यापारियों की रोजी रोटी को चलाने के लिए सोमवार को यही सब्जी मंडी में एक दिन धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन फिर भी नहीं जागा तो इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी और सरकार द्वारा दी गई दुकानों की चाबी या प्रशासन को सौंप दी जाएगी। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। देखो जिस जगह हम बैठे हैं ये असली सब्जी मंडी है, करनाल सीएमसीटी खट्टर साहब विधानसभा के इलाके की। और जो ये सब्जी मंडी है ना, इसमें चारों तरफ आप कैमरा घुमा दो, ये जितने भी दुकान वाले हैं इनमें तो कहीं तुम ब्रेन हेमरेज से मर लिए, कहीं ऊपर जान लाग रहे, और कहीं जितने व्यापारी बैठे ना सारे बीमार हो रहे। किसी ने किला बेच कर ये दुकान ले रखी 60-60 लाख की, तो दुकान 2016 में 60-60 लाख की दुकान दी, आज तक ब्याज लेने लाग रहे और आंदा जानता है कुछ नहीं। जो यहाँ खट्टर साहब यहाँ आए उन्होंने उद्घाटन कराया और बढ़िया तरिया अपना इन्होंने भी पूरा 2-2.5 लाख का खाना खिलाया और ये सड़क कटवाई जी रोड पर जावा। धरना क्यों दिया? हम धरना नु दे रहे हैं आपके द्वारा, ये बताना चाहते हैं जिस जगह पर हम बैठे हैं या सब्जी मंडी आज तक यहाँ पर कुछ सब्जी कोई फ्रूट वाली रेडी नहीं आई। सारी सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी बाहर जो अनाज मंडी है 70-70 फुट की जो सड़क है, 20x85 की जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ अनाज आता है, आड़तियों के लाइसेंस होते हैं, वहाँ पर सब्जी मंडी लगती है और वहाँ एक सेड है किसानों का सेड। यहाँ क्यों लगती? क्या कमी है? यहाँ उगाई कम होती है, वहाँ सवेरे सवेरे लाखों रुपया उगाई होती है, अब जहाँ अनाज मंडी में सब्जी मंडी लगती है, यही तो दिखाने के लिए गोलमाल। भ्रष्टाचार तो इतना बड़ा रिहान है कि सीएम सिटी के इस विधानसभा में सब्जी मंडी अनाज मंडी में लग गया है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ से पैसे इकट्ठे होते हैं, मुगल कनाल में सब्जी मंडी लगाते हैं वहाँ से पैसे इकट्ठे होते हैं और कहीं कहीं भी सब्जी मंडी करना, एक तरफ तो ये डंडे मार रहे भाई जाम लगा। अरे सब्जी मंडी जी कम्प्लेक्स इतना सुंदर कम्प्लेक्स, 4 दीवारी और यहाँ जितना भी दुकान ले रखे नहीं बैठे, किसी का दमा हो गया, किसी ने जमीन बेच दी, कोई मर लिया, कोई गढ़ लिया, इनको जगाने के लिए, इनकी बात प्रशासन तक पहुँचाने के लिए भाई मुख्यमंत्री जी ने जो रिबन काटा था, उड़ा सब्जी मंडी क्यों लग दी? इस तरह से सांकेतिक धरना एक दिन का चल रहा है, बुधवार को आर पार की लड़ाई शुरू होने जा रही है कि सरकार की स्कीम के मुताबिक असली सब्जी मंडी काटी गई थी, परंतु इस सब्जी मंडी के कॉम्प्लेक्स को इग्नोर करके सरकार ने अनाज मंडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्जी मंडी का बढ़ा दिया गया, जबकि सब्जी मंडी का हर जगह जो भी स्केच है, नक्शा है, वो में चारों तरफ दुकानें होते हैं, बीच में शेड होता है और उसी के मुताबिक बनी है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये भाई हमारा यहाँ का बिजनेस चल नहीं रहा है, अब सारा बिजनेस वहाँ होता है, वहीं सवेरे जाना कम से कम भी
पाँच घंटों इतना रश रहता है कि वो एक भी आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता। अब या तो सब्जी मंडी उधर कर दो, फल मंडी यहाँ कर दो, या फल मंडी इधर कर दो, काम का बंटवारा कर दो ताकि हमारा काम चले, आपका व्यापार खराब हो रहा है। हमारा बंद पड़ा है बिल्कुल 5-4 साल। हमने 70-70। क्या नाम आपका? खेमचंद। 903 नंबर दुकान है हमारी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।